वायु राशि, राशि राशि का सेंस होता है भंडार, कुंज। राशि का अर्थ है कुंज और वायु तो वायु है, वायु का एक विशाल कुंज। राशि का मतलब विशाल कुंज, कुंज का मतलब ही होता है विशाल भाग। वायुमंडल का एक विशाल भाग है, वायु राशि वायु का एक विशाल भाग है जो किसी धरातल किसी धरातल के विस्तृत क्षेत्रफल पर व्याप्त होती है। वायु राशि वायुमंडल का एक विशाल कुंज है जो किसी धरातल के किसी सतह पर भूपटल के किसी भी सतह पर महाद्वीपीय या महासागरी सतह पर विस्तृत क्षेत्रफल में व्याप्त होती है। क्या हो गया वायु राशि बताइए? वायुमंडल का एक विशाल कुंज जो किसी सतह पर विस्तृत क्षेत्रफल में व्याप्त होती है। अब क्या होता है कि आप इसको और डिटेल कर सकते हैं कि वायु का एक ऐसा कुंज है जिसमें या ऐसे कोई सरफेस है इस पर व्याप्त वायु का एक ऐसा कुंज है जिसमें सर्वत्र टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इक्वल होती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इक्वल होती है। वायु राशि वायुमंडल का एक विशाल कुंज है जिसमें सर्वत्र तापमान तथा आर्द्रता जैसी विशेषताएं क्षैतिज रूप में समान होती है। वायुमंडल का एक विशाल कुंज जिसमें तापमान तथा आर्द्रता संबंधी भौतिक विशेषताएं क्षैतिज रूप में समान होती हैं, ऊर्ध्वाधर रूप में इसमें अंतर हो सकता है। जब वायु राशियों का विस्तार बहुत अधिक हो तो उस दशा में वायु राशि का विस्तार बहुत ऊंचाई बहुत अधिक हो, ऊर्ध्वाधर विस्तार अगर वायु राशि में जल्दी क्षैतिज विस्तार मिलता है, लेकिन क्षैतिज विस्तार के साथ ही साथ अगर वायु राशियों में ऊर्ध्वाधर विस्तार काफी अधिक हो तो क्या होता है, उसमें कई ऐसे क्षैतिज परतें मिलती हैं, कई ऐसी परतें मिलती हैं जिनमें क्या होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इक्वल होती है। जैसे कई परतें हो गई तब क्या स्थिति होगी कि यहाँ पर T1 है, यहाँ पर H1 है, यहाँ पर T2 है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर T3 है, यहाँ पर H3 है, यहाँ पर T4 है, यहाँ पर H4 है, और इस तरह से होगा T1 इज नियरली इक्वल टू T2 इज नियरली इक्वल टू T3 इज नियरली इक्वल टू T4 एंड H1 इज नियरली इक्वल टू H2 इज नियरली इक्वल टू H3 इज नियरली इक्वल टू H4। अर्थात अगर वायु राशि में ऊर्ध्वाधर विस्तार भी हो जाए पर्याप्त तो उसमें कई ऐसी क्षैतिज परतें होंगी, उन क्षैतिज परतों के अंदर तापमान और आर्द्रता एक समान होगा, और लेकिन कई क्षैतिज परतें हो गई तो ऊपर की जो परत है और नीचे की परत के तापमान और आर्द्रता में जो अंतर थोड़ा बहुत होगा वह ऊंचाई के कारण होगा और वह नगण्य होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए क्या आवश्यक है? वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है कि किसी विस्तृत भूभाग पर वो लंबे समय तक व्याप्त रहें। जब किसी भूभाग पर किसी भूपटल के किसी भाग पर भूपटल के किसी भाग पर जब लंबे समय तक व्याप्त रहेंगी वायु राशियां तभी उस भूपटल के भौतिक विशेषताओं विशेष रूप से तापमान और आर्द्रता को ग्रहण कर पाएंगी, अब्सॉर्ब कर पाएंगी उस विशेषता को। तो इसीलिए वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए क्या आवश्यक है कि वायु का जो पुंज है वो उस सतह पर लंबे समय तक व्याप्त रहे, लंबे समय तक व्याप्त रहेगा जिस सतह पर तभी उस सतह की भौतिक विशेषताओं को आत्मसात कर पाएगी वायु राशि। अब क्या होता है कि वायु राशि जिस सतह पर व्याप्त होती है वहाँ की भौतिक विशेषताओं को तो आत्मसात करती ही है, अब्सॉर्ब करती ही है, साथ ही साथ वह अपने अगर वायु राशियों में प्रवाह शुरू हो गया तो जब वायु राशि में प्रवाह शुरू हो जाता है तो वह जिस क्षेत्र से होकर के गुजरती है उस क्षेत्र के ही तापमान और आर्द्रता को प्रभावित करती है। अर्थात वायु राशियां क्या करेंगी, मौसम को बदल देती हैं, जिस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं वहां के मौसम को वायु राशियां क्या कर देती हैं, बदल देती हैं, मौसम को बदल देती हैं वायु राशियां, वेदर को बदल देती हैं, क्योंकि जिन क्षेत्रों से होकर के वायु राशियां गुजरती हैं वहां के तापमान और आर्द्रता को प्रभावित करती हैं और स्वयं भी उनमें
जब प्रवास शुरू होगा तो अलग अलग क्षेत्रों से होकर के, जब भिन्न भिन्न क्षेत्रों से होकर के वायुवासियाँ जब गुजरेंगे तो उन क्षेत्रों के भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का वायुवासियों पर प्रभाव पड़ेगा। जिन क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी उन क्षेत्रों के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को प्रभावित करेंगी और स्वयं इनका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी प्रभावित होगा। अर्थात वायुवासियाँ जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं वहाँ को परिवर्तित करती है टेम्परेचर, वहाँ की टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को, और स्वयं भी इनमें परिवर्तन हो जाता है ना, स्वयं भी इनमें परिवर्तन हो जाता है वायुराशियों में। अब क्या होता है, वायुराशियों के उद्गम के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक है, वायुराशियों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक, वायुराशियों की उत्पत्ति के लिए या उद्गम के लिए आवश्यक दशाएं न कंडीशंस क्या क्या होंगे, किन कंडीशंस में वायुराशियों की उत्पत्ति होगी, उद्गम होगा। अब वायुराशियों की उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए, विस्तृत सतह चाहिए, विस्तृत सतह चाहिए। और वह विस्तृत सतह क्या हो सकती है, जैसे विस्तृत मैदान कोई है, कोई विशाल मैदान है तो उसमें एक जैसी धरातली विशेषता होगी ना, एक जैसी धरातली विशेषता होगी। कोई ऐसा विस्तृत भूभाग है जिस पर एक जगह पठार है, फिर यहीं पर मैदान है, फिर यहाँ पर्वत है, तो क्या ऐसे भूभाग पर धरातली विशेषताएं एक जैसी होंगी, नहीं होंगी ना, क्योंकि पठार की कंडीशंस अलग होती है, उसका उसकी ऊंचाई अलग होती है, तुंगता अलग होती है, पठार का एल्बिडो अलग होगा, पर्वतीय क्षेत्र की तुंगता अलग है, उसके अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर में अंतर आएगा, एल्बिडो का अंतर आएगा, मैदान का एल्बिडो और तुंगता अलग होगी, तुंगता मतलब अल्टीट्यूड और एल्बिडो अलग अलग होगा, मैदान का, पठार का, पर्वत का। तो ऐसा भौगोलिक प्रदेश जहाँ पर कहीं पठार हो गया, कहीं पर मैदान हो गया, कहीं पर पर्वत हो गया, या पर्वतीय प्रदेश है तो वहाँ पर क्या होगा, अलग 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 ऊंचाई मिलेगा ना, घाटी मिलेगी, पर्वत पदी क्षेत्र मिलेगा, पर्वत का निम्न ढाल है, पर्वत का उच्च ढाल है, पर्वत का शीर्ष है। तो यहाँ पर क्या है, धरातली विशेषताएँ एक जैसी नहीं है, तो पर्वतीय प्रदेश है, ऊबड़ खाबड़ प्रदेश है, वह सामान्यतः वायुराशियों के उद्गम के लिए उपयुक्त नहीं होता। वायुराशियों के उत्पत्ति के लिए कौन सा क्षेत्र उपयुक्त है, विशाल मैदान हो, विस्तृत मैदान हो, विस्तृत मैदान हो या क्या हो, विशाल महासागरीय सतह हो, विशाल महासागरीय सतह है तो वहाँ पर क्या होता है, धरातल पर एक जैसी विशेषताएँ मिलेंगी, सरफेस पर एक जैसी विशेषताएँ मिलेंगी, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये हो गया। अब क्या है कि वायुराशियों की उत्पत्ति के लिए, मान लीजिए कि वायुराश की उत्पत्ति के लिए आधा भाग कैसा हो, मैदान हो और आधा महासागरीय सतह है, तो क्या एक ही वायुराश उत्पत्ति होगी, एक ही प्रकार की वायुराश की उत्पत्ति होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि एक ही समय एक ही अक्षांश पर कोई मैदान हो और कोई दूसरा क्या हो, कोई सागरीय सतह हो, सागरीय सतह हो, दोनों के ना ओशन सरफेस हो, दोनों के क्या होगा, दोनों के फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में, दोनों के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में, दोनों के ऊपर जो एटमॉस्फियर है उसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो इस कारण से क्या होता है, वायुराशियों की उत्पत्ति ऐसे स्थान पर होगी, एक वायुराश या तो विस्तृत मैदान ही होगा या तो महासागरीय सतह ही होगा, दोनों जगह वायुराशियों की उत्पत्ति नहीं, एक ही वायुराश तो ऐसे दशाओं में महासागरीय महाद्वीपीय सतह पर नहीं डेवलप होगी, या तो वह पूर्णतः महाद्वीपीय सतह होगा या तो महासागरीय सतह होगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि वायुराशियों के उद्गम के लिए एक तो आवश्यक है कि जिस भूपटल पर हो वहां लंबे समय तक स्थिर या स्थायी हो, या हमने पढ़ ही लिया है। अब क्या हो कि वायुराशियों के उत्पत्ति के लिए या उनको बने रहने के लिए क्या आवश्यक है कि उनमें हवाओं का अभिसरण न हो, अभिसरण कन्वर्जेंस, हवाओं का कन्वर्जेंस न हो। मान लीजिए यहाँ पर एक विस्तृत सतह है और बाहर से यहाँ पर हवाएं कन्वर्ज कर रही हैं, एक विस्तृत सतह है ना, और इधर से भी यहाँ पर हवाएं आ रही, इधर से आ रही, इधर से आ रही, इधर कोई मैदान है, मैदान से आ रही है, या पर्वतीय धरातल है, सतह है, उधर से आ रही है, यहाँ कोई महासागरीय सतह है इधर और उस ओर से आ रही, यहाँ कोई मैदान है, इस मैदान में पर्वतीय क्षेत्र से भी हवाएं आ रही है ना, और वो महासागरीय सतह से भी आ रही है, तो क्या होगा कि ये जो मैदान है वहाँ पर
वायुराज की उत्पत्ति हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो वायुराशियों की उत्पत्ति के लिए क्या आवश्यक है कि वहां पर जो वायु का क्षैतिज प्रवाह है वह कन्वर्जेंस टाइप का ना हो, अभिसरण प्रकार का ना हो, बल्कि कैसा हो, डाइवर्जेंस टाइप हो सकता है, डाइवर्जेंस टाइप हो सकता है। अगर वहां की हवाएं बाहर जा रही हैं तो ऑब्वियस है कि उसी विशेषता को बाहर लेके जा रही हैं, और वहां की जो विशेषता है वो तो बनी हुई है ना, वहां की कुछ हवाएं बाहर चली गई तो वहां की विशेषता पर बहुत अंतर नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है कि बाहर की हवाएं आएंगी तो उनका टेम्परेचर, उनकी ह्यूमिडिटी डिफरेंट होगा। तो वायुराशि तो तब है जबकि उसकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी स्थिर बनी रहे ना कुछ समय तक, तब तो वह एक वायुराशि है। तो वायुराशियों के उद्गम के लिए क्या आवश्यक है, जहाँ पर वायुराश की उत्पत्ति हो रही है, वायुराश का उद्गम हो रहा है, वहाँ पर हवाओं का जो क्षैतिज हवाएं आ रही हैं वह अभिसरित प्रकार की ना हो, कन्वर्जेंट टाइप की ना हो, वो डाइवर्जेंट टाइप की हो, तब वायुराशियों का उद्गम हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि केवल ये टेम्परेचर के आधार पर वायुराशियाँ दो प्रकार की हो जाती हैं, तापमान के आधार पर वायुराशियाँ दो प्रकार की हो जाएंगी। कौन कौन सी वायुराशियाँ बोलिए, वार्म और कोल्ड, ना गर्म वायुराशियाँ और शीतल वायुराशियाँ। तो गर्म वायुराशियाँ क्या होती है, ऐसी वायुराशि होती है गर्म वायुराशि जो जिस मान लीजिए सरफेस पर व्याप्त है, सरफेस पर व्याप्त है, ये महासागरी सतह या महाद्वीपीय सतह है इससे नहीं मतलब है, जिस सरफेस पर भी व्याप्त है इस वायुराशि, उसकी तुलना में इसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, तब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वायुराशि का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है इस सरफेस से, तब हम इसको गर्म वायुराशि कहेंगे। बात समझ रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर इसका टेम्परेचर, इस वायुराशि का टेम्परेचर ज़्यादा है इसके सरफेस, जिस सरफेस पर यह व्याप्त है वायुराशि, उसकी तुलना में वायुराशि का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वैसी वायुराशि को हम लोग गर्म वायुराशि कह रहे हैं। तो वह सरफेस उस सरफेस के संस्पर्श में, कॉन्टैक्ट में वायुराशि लंबे समय तक बनी हुई है, तो सरफेस है शीतल, वायुराशि है गर्म, तो सरफेस क्या करेगा, उस वायुराशि को ऐसे नीचे से ऊपर की ओर शीतल करता चला जाएगा, शीतल करता चला जाएगा। तो वायुराशि क्या होगी, संपीड़ित तो होकर के वहीं पर बैठी रहेगी, समझ रहे हैं, अर्थात उसमें ऊर्ध्वाधर जो धाराएं बहती हैं, वायु धाराएं, उनकी उत्पत्ति नहीं होगी, वायु धाराओं की उत्पत्ति नहीं होगी। और दूसरी वायुराशि है, मान लीजिए वो वायुराशि है शीतल, अगर कोई वायुराशि शीतल है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वायुराशि शीतल है इसका मतलब कि ये जो सरफेस है उसकी तुलना में वायुराशि का टेम्परेचर क्या है, कम है, वायुराशि का टेम्परेचर कम है और सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है, तब वायुराशि को हम लोग क्या कहते हैं, शीतल वायुराशि। इसलिए शीतल वायुराशियों का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, नीचे से गर्म होने वाली, गर्म वायुराशि का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, नीचे से शीतल होने वाली। ठीक है, तो यह है शीतल वायुराशि, तो यह नीचे से क्या होगी, गर्म होगी, नीचे से जब गर्म होगी तो इसमें क्या होगा, संवहन धाराएं उत्पन्न होगी, संवहन धाराएं उत्पन्न होगी तो क्या हो जाएगा, यह वायुराशि में, इस वायुराशि में जब ऊर्ध्वाधर तरंगे उठने लगेंगे तो वायुराशि क्या हो जाएगा, वायुराशि अस्थिर हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी ब्रेक हो जाएगी, अर्थात ये अनस्टेबल हो जाएगा वायुराशि। बात समझ रहे हैं ना, तो यह शीतल वायुराशि क्या हो जाएगी, जब अनस्टेबल हो गई अर्थात इसकी अब लाइफ घट जाएगी, इसका जीवन यहाँ से अपनी गर्म होकर के प्रवाह भी शुरू कर सकती है, दूसरे स्थान पर जा सकती है, समाप्त भी हो सकती है, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि शीतल वायुराशियों की तुलना में गर्म वायुराशियां, गर्म वायुराशियां दीर्घायु होती है, अधिक दीर्घायु होती है, गर्म वायुराशियों का लाइफ ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा समय तक बनी रहेगी, और शीतल वायुराशियां कम समय तक बनी रहेंगी, क्योंकि समझ गए हैं बात ना, गर्म वायुराशि है तो नीचे से हो रही शीतल इसलिए स्थायी बनी रहेगी, शीतल वायुराशि है तो नीचे से हो रही है गर्म, क्योंकि गर्म या शीतल वायुराशियों का नाम गर्म या शीतल किस आधार पर किया जा रहा है, जिस सरफेस पर वो व्याप्त है उस सरफेस की तुलना में उनका, उस सरफेस से उनका नामकरण किया जा रहा है, गर्म वायुराशियां और शीतल वायुराशि। इसके बाद आपने पढ़ा है कि वायुराशियों का कल वर्गीकरण हुआ था और आज थोड़ा ब्रेक में फिर स्प्रेड कर रहे हैं वायुराशियां। तो वायुराशि के लिए क्या जरूरी है, वायुराशि
वायु राशि सामान्यतः या तो अत्यधिक गर्म जलवायु प्रदेशों में, उष्ण जलवायु प्रदेशों में उत्पन्न होगी, या तो अत्यधिक शीतल जलवायु प्रदेश में उत्पन्न होगी। अत्यधिक जो शीतल प्रदेश है या तो वहां पर उत्पन्न होगी, या अत्यधिक जो उष्ण प्रदेश है वहां पर उत्पन्न होगी, क्योंकि वहीं पर वो लंबे समय तक व्याप्त रह सकती है। तो इस आधार पर वायु राशियां दो प्रकार की हो जाती हैं। एक तो हो जाती है कौन सी वायु राशि, अगर ट्रॉपिकल बेल्ट में डेवलप हुई है तो ट्रॉपिकल हो गया, अगर ट्रॉपिकल बेल्ट में है तो ट्रॉपिकल हो गई, टी टी हमने लिख लिया। दूसरा अगर ध्रुवीय क्षेत्र में डेवलप हुई है तो पी हो गया, पोलर हो गया, पोलर ध्रुवीय क्षेत्र में है तो पोलर हो गया। वायु राशियों की उत्पत्ति सामान्यतः उष्णकटिबंधीय प्रदेशों या ध्रुवीय प्रदेशों में होती है। तो इस आधार पर वायु राशियां अपने उद्गम स्थल के आधार पर दो प्रकार की हो गई। ऐसी वायु राशियां जो ध्रुवीय प्रदेशों में उत्पन्न हो रही है उनके लिए हमने पी लेटर यूज कर दिया। ऐसी वायु राशियां जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जनरेट हो रही है उनके लिए नाम रख दिया टी। अब दो प्रकार की वायु राशियां हो गई। अब यह होता है कि वायु राशियों के उद्गम के लिए आपने पढ़ा है कि या तो वायु राशियां महासागरीय सतह पर ही डेवलप होंगी या तो महाद्वीपीय सतह पर ही डेवलप होंगी। तो अगर ये महाद्वीपीय सतह पर डेवलप हो रही है तो इनको कह देते हैं कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, सी छोटा लिखेंगे टी कैपिटल लिखेंगे, सी स्मॉल टी कैपिटल। और दूसरा अगर ये महासागरीय सतह पर जनरेट हो रही है तो एम स्मॉल लिखेंगे और टी कैपिटल, मरीन ट्रॉपिकल हो गया। महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां, महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां का मतलब कि उष्णकटिबंध में महासागरीय सतह पर उत्पन्न होने वाली वायु राशियां। और ये हो गया ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल का मतलब हो गया उष्णकटिबंध में महाद्वीपों के ऊपर उत्पन्न होने वाली, सामान्यतः महाद्वीपों के आंतरिक भागों में मैदानों में उत्पन्न होने वाली वायु राशियां। दूसरी हो गई पोलर। अब पोलर भी दो प्रकार की हो गई, महाद्वीपीय सतह पर उत्पन्न हो रही है तो सी पी से स्मॉल पी कैपिटल, और अगर महासागरी सतह पर डेवलप हो रही है तो एम स्मॉल और पी कैपिटल, मरीन पोलर न मरीन पोलर, महासागरी ध्रुवीय वायु राशियां। फिर इसके बाद वायु राशियां जिस सरफेस पर व्याप्त हो रही है, महाद्वीपीय महासागरी जिस भी सरफेस पर व्याप्त है उस सरफेस की तुलना में उनका टेम्परेचर, अगर उस सरफेस की तुलना में उनका टेम्परेचर ज्यादा है तो उनको हम लोग कोल्ड कहेंगे, और कोल्ड के लिए कैपिटल के यूज करेंगे। अब ऐसे सतह पर व्याप्त है जिनकी तुलना में उनका टेम्परेचर ज्यादा है तो वो वार्म हो गई, और वार्म के लिए डब्लू। तो क्या होगा इस आधार पर ये दोनों वायु राशियां, ये सब वायु राशियां दो दो टाइप्स की हो जाएंगी, ट्रॉपिकल है कॉन्टिनेंटल है लेकिन कोल्ड है तो के, ट्रॉपिकल है कॉन्टिनेंटल है वार्म है तो डब्लू। फिर इसके बाद मरीन है ट्रॉपिकल है कोल्ड है तो के, मरीन है ट्रॉपिकल है मरीन है ऐसे पढ़ते हैं, ट्रॉपिकल है मरीन है वार्म है तो डब्लू। फिर इसके बाद है पोलर है कॉन्टिनेंटल है कोल्ड है तो के, और पोलर है कॉन्टिनेंटल है वार्म है तो डब्लू। यहाँ पर हो जाएगा पोलर है मरीन है कोल्ड है तो के, और पोलर है मरीन है वार्म है तो डब्लू। अब इस प्रकार वायु राशियां 8 प्रकार की हो गई, 8 टाइप्स की हो गई, 8 प्रकार की वायु राशियां हो गई। अब इसमें क्या होता है कि अब की इन वायु राशियों को इनके स्थायित्व के आधार पर सभी वायु राशियों के फिर दो दो टाइप्स हो गए ना, इनके स्थायित्व के आधार पर अगर ये स्टेबल है तो स्मॉल एस लिखेंगे और अनस्टेबल है तो स्मॉल यू लिखेंगे। इस आधार पर ये वायु राशियां क्या हो गई, ट्रॉपिकल है कॉन्टिनेंटल है कोल्ड है स्टेबल है तो स्मॉल एस, और फिर ये वायु राशि क्या हो गई, ट्रॉपिकल है कॉन्टिनेंटल है कोल्ड है अनस्टेबल है तो स्मॉल यू। देखिए पढ़ कैसे रहे हैं, ट्रॉपिकल है कॉन्टिनेंटल है वार्म है स्टेबल है, फिर इसके बाद क्या हो गया, ट्रॉपिकल है कॉन्टिनेंटल है वार्म है अनस्टेबल है तो स्मॉल यू। फिर इसके बाद ये वायु राशि है ट्रॉपिकल है तो के, मरीन है स्मॉल एम, कोल्ड है के, स्टेबल है स्मॉल एस, और फिर इसके बाद ट्रॉपिकल है टी, मरीन है स्मॉल एम,
और बोल्ड है तो कैपिटल ए और अनस्टेबल है स्मॉल यू। फिर इसी तरह से ये वायुराशि हो गई ट्रॉपिकल, मरीन और वार्म है डब्ल्यू, स्टेबल है एस। और फिर इसके बाद हो गया ट्रॉपिकल, मरीन, वार्म और अनस्टेबल है स्मॉल यू। इसी तरह से ये वायुराशि है पोलर है, कॉन्टिनेंटल है, कोल्ड है, स्टेबल है स्मॉल एस, और पोलर है, कोल्ड है, पोलर है, कॉन्टिनेंटल है, कोल्ड है, अनस्टेबल है तो स्मॉल यू। और फिर ये वायुराशि हो गई, क्या हो गया इसका पोलर पहले बी लिखेंगे, फिर कॉन्टिनेंटल, फिर वार, फिर स्टेबल के लिए एस, और फिर पोलर है तो पी, कॉन्टिनेंटल, वार, अनस्टेबल, स्मॉल यू। इसी तरह से ये वायुराशि हो गई पोलर है, मरीन है, कोल्ड है, स्टेबल है। फिर इसके बाद हो गया पोलर है, मरीन है, कोल्ड है, अनस्टेबल है। ये हो गई पोलर है, मरीन है, वार्म है, स्टेबल है। ये है पोलर है, मरीन है, वार्म है, अनस्टेबल है। इस प्रकार 16 वायुराशियाँ। अब इन वायुराशियों को अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, जैसे यही वायुराशि को हम लोग ले लें, इसको पढ़ना है कैसे पढ़ेंगे, पहले टी पढ़ेंगे, ये है ट्री ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय। फिर एम है मरीन महासागरी, फिर के है कोल्ड, फिर यू है अनस्टेबल। तो इसको कहेंगे उष्णकटिबंधीय, महासागरी, शीतल, अस्थिर, अस्थिर वायुराशि, अस्थिर जिसको बोलते हैं अस्थिर। तो अब या इसको सुविधा के और कैसे बोल सकते हैं, उष्णकटिबंधीय, महासागरी, महासागरी और कोल्ड ना बोल करके, शीतल ना बोल करके, नीचे से गर्म होने वाली और अस्थिर या अस्थिर वायुराशि, इसको बोलना है। जैसे जिसको मान लीजिए इसको बोलना है तो क्या कहेंगे, इसको ट्रॉपिकल, मरीन, वार, स्टेबल मतलब उष्णकटिबंधीय, महासागरी, गर्म, स्थिर वायुराशि, स्थिर। और या दूसरे तरह से उष्णकटिबंधीय, महासागरी, गर्म, और गर्म नहीं बोलेंगे बल्कि नीचे से शीतल होने वाली, गर्म के जगह पर नीचे से शीतल होने वाली और शीतल के जगह पर नीचे से गर्म होने वाली, आप इस तरह। ये 16 प्रकार की वायुराशियां हो गई। वायुराशियां क्या है ये हो गया, वायुराशियां क्या है हो गया, फिर वायुराशियों की उद्गम के लिए दशाएं हो गया, और वायुराशियों के का वर्गीकरण हो गया। तो आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी में वो आप लिख सकते हैं। यूपीएससी का जैसे प्रश्न पूछा गया है कि वायुराशियाँ क्या हैं, इनका सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, जब 600 वर्ष में आता था। दूसरा क्या है, वायुराशियाँ क्या हैं, मानसूनी वायुराशियों की उत्पत्ति, प्रभाव तथा इनकी सामान्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए ना। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया था। दूसरा प्रश्न था कि वायुराशियाँ क्या हैं, मानसूनी वायुराशियों की उत्पत्ति, प्रभाव क्षेत्र तथा सामान्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो ये देखिए मानसूनी जलवायु का पहले का हमारा इस लोगो वगैरह पे बनता था, तो अब मानसूनी जलवायु क्या है इसके बारे में डिटेल ये स्टडी मटेरियल हम आपको दे दे रहे हैं। आप पहले इसको पढ़ेंगे फिर हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे, आप इसको जेराक्स करवा लेंगे ना। ये 6 पेज का मैटर है पूरा, 6 पेज, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5, 6 पेज का मैटर है, ये जेराक्स करा लेंगे, ओरिजिनल हमको लौटा देंगे आप। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न क्या है कि वायुराशियों को परिभाषित करते हुए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की वायुराशियों के उत्पत्ति, प्रभाव क्षेत्र तथा सामान्य विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वायुराशियों को परिभाषित करते हुए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की वायुराशियों की उत्पत्ति और विशेषताओं की व्याख्या करना है। 600 वर्ष में आया था, अब 100-200 वर्ष के क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा करके अब आएगा कि वायुराशियाँ क्या हैं, इनके उद्गम के लिए आवश्यक दशाओं की व्याख्या कीजिए, या वायुराशियाँ क्या हैं, इनका सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप दशाओं भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, वर्गीकरण एक्सप्लेन कर दिया है, मानसून एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, आप स्टडी मटेरियल ले लीजिए। और मानसून का होगा, दूसरा क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो वायुराशियाँ हैं इसको आप बीएस लाल की किताब से ना पढ़कर सविन सिंह की किताब में इसको पढ़ लीजिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की वायुराशियाँ, और यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर की वायुराशियाँ, और इनको मैं कल एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। ओके, आज की क्लास पूरी हो गई।